ये वीडियो आज के मॉडल साइंस के नॉलेज को चकनाचूर कर देगा। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 1653 में क्रिस्टियान होगेंस ने इसकी खोज की थी। पर आपको पता है, हजारों साल पहले हनुमान चालीसा में इसकी खोज का वर्णन किया गया था। महान गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की आठवीं चौपाई में जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, इस मंत्र में पृथ्वी और सूर्य की दूरी का वर्णन किया गया है। यहाँ से आप इस वीडियो को थोड़ा ओपन माइंडेड में देखिएगा। जुग यानी होता है युग, एक युग बराबर होता है 12,000 वर्ष। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, सहस्त्र को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आएगा 1000 यानी हजार। सहस्त्र मीन्स हो गया हजार। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, एक जोजन यानी होता है योजन, एक योजन बराबर होता है 8 मील, और भानु मतलब होता है सूर्य। यानी जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा इतना, यानी 9,60,00,000 मील। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 9,60,00,000 मील, ये 16वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा में लिख दिया गया था, और इसकी खोज 1653 में क्रिस्टियान होगेंस ने किया था। आप सोच सकते हो कि भारत का इतिहास बहुत ही मिस्टीरियस है। हजारों साल पहले के ज्ञान को, हमारे प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडल साइंस भी टक्कर नहीं दे सकता है।